दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी मशीन से बटन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये मशीन है बटन बनाने की और ये इसकी डाई है और ये मैंने बटन बना लिए हैं। तो इस तरह के बटन कैसे बना लें बताती हूँ। और देखिए ये जो बटन बनाते हैं उसकी डाई, ये जो कैप है वो कैप इस तरीके के होते हैं, जो ये हम स्टिच करते हैं वो वाले कैप है और जिसका हम बटन बनाते हैं देखिए ये वाले वो कैप है। तो इसमें बड़ी भी कैप आती हैं छोटी भी आती हैं, दोनों साइज़ के रहते हैं। बड़ा साइज़ हमारा ये रहता है और छोटा साइज़ हमारा ये रहता है, ये दो साइज़ का। इसमें और भी कई साइज़ आते हैं, इससे भी छोटा आता है और इससे बड़ा भी आता है। तो मेरे पास ये छोटा वाला साइज़ है और ये बड़ा वाला साइज़ है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कैसे बटन बनाएं। तो देखिए जो बड़ा डाई है ये वाला पीस है बड़ा डाई का, और ये इसके कैप है, ये बटन वाला कैप है, और जो ये स्टिच करते हैं ये वाला कैप है। जैसे कि देखिए ये बटन है तो ये ऊपर वाला पार्ट आएगा और जो पीछे वाला पार्ट है ये पार्ट है। तो देखिए ये छोटा वाला डाई है जो कि हमारे ये कैप है इसके, और इस साइज के बटन बनते हैं इसके। तो अभी आपको बताते हैं कैसे बना। तो मैं अभी आपको छोटे वाले बटन बनाना बताती हूँ। तो देखिए छोटे वाले बटन की डाई हमारी ये है, तो जो ये पीस है हम इस पीस को यहाँ पर इस तरह से इसको सेट कर देंगे। और देखिए यहाँ पर ये स्क्रू है, इसको हम एक हाथ से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से इसको टाइट कर देंगे स्क्रू को। तो देखिए हमने टाइट कर दिया है। उसके बाद हमारी ये छोटी वाली स्प्रिंग है, इसको इसके अंदर डालेंगे। और देखिए ये हमारा ये पीस है, तो इसको क्या है, जो ये डिजाइन वाला ये ऊपर आएगा, जो प्लेन वाला ये नीचे जाएगा। तो देखिए इसको इस तरह से डाल दें इस पीस को। तो ये पीस हमारा तैयार हो गया। अभी हम कैप लेते हैं। तो देखिए हमने ये कैप ले लिया है, और जो भी कलर का बटन बनाना चाहें उसको इस तरह से, जो कैप है और जो कपड़ा है, कपड़ा उल्टा रखें और कैप को इस तरह से रख लें और कपड़े को इस तरह से इसको फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद इसको कोई भी धागे से इसको बांध दें। बांधने के बाद जो ये एक्स्ट्रा पीस है इसको कट कर दें। तो देखिए ये पीस हमने कट कर दिया है, और जो हमारा ये कैप है इसके अंदर जो ऐसे इस तरह से सेट कर दें। तो देखिए जो बटन और कैप हमने इस तरह से इसको सेट कर लिया है, और जो ये पार्ट है देखिए एक कर्व वाला है और ये स्ट्रेट है। जो स्ट्रेट है वो हम इसके अंदर नीचे इस तरह से डालेंगे, और जो कर्व वाला है और ये बटन है हमारा, इसको इसके अंदर इस तरह से सेट कर देंगे। इस तरह से सेट हो जाने के बाद आप इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर दें और मशीन को इस तरह से प्रेस कर दें। तो आप इस तरीके से मैचिंग बटन बना सकते हैं। तो अभी आपको बड़ा वाला बटन बना के बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये जो पीस है इस तरह से रख लेंगे, और इसको यहाँ पे जैसे हमने छोटा वाला पूरा सेट किया था सेम उसी तरह से इसको भी सेट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से कर लें और धागे से इसको बांध लें। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पीस है कट कर देंगे। बड़ा वाला डाई का स्क्रू डाल दिया है और ये स्प्रिंग डाल देंगे, और उसके बाद ये पीस भी डाल देंगे। और देखिए अभी हम ये पीस लेते हैं, तो जो ये फ्लैट है इसको नीचे आएगा और जो कर्व है ये ऊपर जाएगा, तो इसको इसके अंदर डाल देंगे। और जो हमने ये कैप में बटन तैयार कर लिया है इसको इस तरह से रखेंगे, ये कैप के अंदर इस तरह से जाएगा, और यहाँ पर फिर इसको सेट कर देंगे और मशीन को दबा देंगे। तो देखिए बटन आपका बनके तैयार हो जाएगा, बैक साइड में इस तरह से आएगा और फ्रंट में इस तरह से। इसी तरह आप मैचिंग बटन बना सकते हैं। तो आप मशीन की मदद से क्लॉथ बटन बना सकते हैं ड्रेस या ब्लाउज के मैचिंग। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।